स्टूडेंट्स वेलकम। लेक्चर नंबर 6 टॉपिक बेटा हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, रेन वर्सेस मैन प्रॉब्लम्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बेटा। अब जो प्रोडक्ट है, अगर मैं नॉर्मल वर्ड में बोलूँ तो प्रोडक्ट बेटा एक टाइप की होती है। इन केस ऑफ वेक्टर बेटा जो प्रोडक्ट है दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर प्रोडक्ट, एक होती है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो होती है उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम पहले पढ़ने वाले हैं बेटा। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है? अगर दो वेक्टर्स की आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हो और जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स की आपने मल्टीप्लाई की है और जो मल्टीप्लाई है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बेटा। जनरली क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो किस किस की मल्टीप्लाई है? दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो हमने आगे डिस्कस में लिख रखा है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट द रिजल्ट ऑब्टेंड इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट इज वी ऑब्टेन ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें आपको डायरेक्शन नहीं मिलने वाली है, सिर्फ क्या मिलेगा बेटा? मैग्नीट्यूड। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ए डॉट बी, बेटा ये ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, बीच में डॉट लगाया मैंने, इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए बी कॉस थीटा, व्हाट इज ए? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और जो थीटा है वो उन दोनों के बीच का एंगल है ए और बी के बीच में। ये आपका रिजल्ट है इसके लिए, फॉर डॉट प्रोडक्ट के लिए मेनली रिजल्ट बेटा यही काम करने वाला है इस टाइप से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर थीटा 0 डिग्री है, मींस दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं, उनके बीच के एंगल बेटा क्या है? 0। तो मल्टीप्लाई जो आपके पास आएगी उस केस में कॉस 0 = 1 हो जाएगा। कॉस 0 अगर 1 है तो यहाँ पे 1 यूज करो, तो ए डॉट बी इक्वल सिर्फ ए बी बचेगा। कॉस 0 = 1 तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी इंटू 1 बेटा 1 आपका चीज रहेगा, ठीक है। उसके बाद ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, इसका मतलब क्या हो गया कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री हमारे पास हो ही गया है बेटा। मैंने यहाँ मैंने ए डॉट ए लिखा है, इसका मतलब ये है कि ए और ए में तो एंगल 0 डिग्री होगा भाई, यही वैक्टर ये है यही ये है, इस मीन्स आपस में तो एंगल 0 डिग्री का रहेगा, तो आपके पास ए इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा। कोस थीटा क्या हो गया यहाँ पे? 1 हो गया है। इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर बेटा, अगर ए एक यूनिट वेक्टर है उसका मतलब वैल्यू 1 है, तो 1 × 1 यहाँ पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ए को 1 पुट कर दो तो ए कैप डॉट ए कैप इक्वल टू 1, यानी कि हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस बेटा, ये भी एक्स ये भी एक्स, तो डायरेक्शन सेम, एंगल 0 डिग्री, इनकी मल्टीप्लाई आई स्क्वायर आनी चाहिए। आई क्या है? यूनिट वेक्टर है, उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऐसे जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1 बेटा। अब अगला, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर बेटा थीटा क्या है? 90 डिग्री का, मीन दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, वेक्टर सार परपेंडिकुलर, तो कोस 90 = 0 बेटा। जब कोस 90 0 होगा तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी इंटू 0 करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, राइट साइड वाला ए डॉट बी क्या हो गया? 0। क्यों? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस 90, कोस 90 0, और जो भी मल्टीप्लाई में सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ए बी कोस 90 बेटा। ये टर्म अगर 0 है तो सारा क्या होगा? 0, तो 0 आ गया आपके पास, यानी कि वेक्टर परपेंडिकुलर है। अब अगर इसको हम समझ के थोड़ा आगे बढ़े, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई,
भाई आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस, एक्स वाई परपेंडिकुलर होते हैं, ये हो गया वाई जेड, ये हो गया जेड एक्स। हमने ये पढ़ रखा है कि तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक्स वाई और जेड, तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई जीरो आएगी, इसकी इसकी जीरो, इसकी इसकी जीरो, तो मैंने वही लिखा है। देखो आई डॉट जे खुद का खुद के साथ मल्टीप्लाई है तो ही आपका आंसर जीरो नहीं आ रहा, अदरवाइज आपका जीरो आई डॉट जे जीरो है, जे डॉट के जीरो है, के डॉट आई जीरो है, बिकॉज एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, एक्स इज परपेंडिकुलर टू जेड और वाई इज परपेंडिकुलर टू जेड। अगर थीटा 180 है बेटा तो कोस 180 होता है माइनस वन। अब इस डेट में, इस केस में ए डॉट भी हो जाएगा माइनस का ए बी, भाई वही बात है, यहाँ पे हम कोस 180 लिखेंगे तो ये माइनस सी वन हो जाएगी वैल्यू, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो हो गया माइनस का ए बी। समझने वाली बात यहाँ पे हमारे पास क्या आती है कि ए डॉट बी इक्वल टू अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा लेस देन 90 होगा, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। डॉट प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर इज एक्यूट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज एक्यूट एंगल, मीन्स लेस देन 90 बेटा। डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो इफ वेक्टर्स आर एक्टिंग एट राइट एंगल, मीन्स परपेंडिकुलर है, और अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी कब आएगी, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा इज ऑब्ट्यूज मोर देन 90, थीटा 90 से ज़्यादा है तो ए डॉट बी नेगेटिव आएगा, कम है तो बेटा पॉजिटिव आएगा, और इक्वल टू 90 तो जीरो आएगा। अब इस पर हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट। देखो एक याद करो, जब आपने मैंने ट्रेंगल लॉ पढ़ाया था उस केस में भी हमने एंगल फाइंड किया था, कोस थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, कोस थीटा इक्वल टू क्या था, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ये मैं बातें कर रहा हूँ जब आपको ट्रेंगल लॉ पढ़ाया उस केस की, वहाँ एंगल हम कैसे निकालते थे, अब एंगल यहाँ भी निकाल सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, यहाँ से बेटा कोस थीटा निकालो तो ए बी नीचे चला जाएगा, इसको आप रखो एज इट इज, इसको आप नीचे भेज सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी ये कहाँ से निकलेगा, अब ए डॉट बी कहाँ से निकलेगा, ए डॉट बी का एक तरीका और हमारे पास आता है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, यू आर गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, दो वेक्टर आपको दे रखे हैं इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो अब बेटा ए डॉट बी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई डॉट आई तो वन हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे बारी बारी, ऐसे ही इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे बारी बारी, तो उसमें आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो i डॉट i आएगा, और i डॉट i पीछे बढ़ाया वन होता है, तो ए एक्स बी एक्स इंटू वन तो ये बचेगा। जब बेटा इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करने जाओगे तो i डॉट j, i डॉट j 90 डिग्री, ये तो x एक्सिस, ये कौन सी है y एक्सिस, एंगल 90 तो जीरो हो जाएगा, इट मीन्स इनकी मल्टीप्लाई जीरो आएगी, ऐसे ही ये x एक्सिस ये z एक्सिस इनकी जीरो आएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर x x की मल्टीप्लाई है सिर्फ वो बचेगी y y की और z z की, तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे बेटा। ए डॉट बी निकालने के लिए ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, बाकी सारे क्या हो जाएंगे जीरो, तो ये आपके ए डॉट बी आ गए इन टर्म ऑफ कॉर्डिनेट कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ए डॉट बी ऐसे निकाल लेंगे, ए का मॉडल्स निकालना सिखा रखा है, बी का मॉडल्स भी निकालना सिखा रखा है, आपका एंगल आ जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं किसके, डॉट प्रोडक्ट के। अगर वर्क निकालना है तो वर्क होता है एफ डॉट एस, एस इज द डिस्प्लेसमेंट एफ इज द फोर्स, मीन्स वर्क एक स्केलर प्रोडक्ट है, फोर्स वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, उनकी जो मल्टीप्लाई है वो स्केलर आएगी, वर्क है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, यू ई इक्वल टू माइनस पी डॉट ई,
एंड यू बी इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, माइनस एम डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट बेटा यहाँ भी है, आपको एनर्जी निकालनी है, लीनियर मोमेंटम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक मोमेंटम मैग्नेटिक फील्ड है, नो डाउट। प्लस टू में सारे टॉपिक आसान से सीख जाओगे आप लोग। पी इज लीनियर मोमेंटम, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज मैग्नेटिक मोमेंट और बी इज मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वैक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वैक्टर। ई डॉट ए और बी डॉट ए, ई डॉट ए और बी डॉट ए। अब एक दो प्रॉपर्टी हैं किसकी, डॉट प्रोडक्ट की। बेटा जो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ए बी कॉस थीटा। बिकॉज डायरेक्शन इसमें हम लेते नहीं, रिजल्ट में डायरेक्शन नहीं है तो इसको कैसे भी लिखो आप। डायरेक्शन होती तो फिर ये अलग मुद्दा होता कि ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ जा रहे हैं। बेटा डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए का मतलब एक ही होता है, ए बी कॉस थीटा। अगेन इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव बेटा, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको हम लिख सकते हैं, इनकी अलग अलग मल्टीप्लाई इसको हम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बेटा हमने कुछ डिस्कशन किया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो लेक्चर दोबारा से एक बार देख लें वापस करके, और फिर हम न्यूमेरिकल्स पे जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। उसमें एक लॉजिक बच गया, एक लॉजिक मैं आपको और बता देता हूँ। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि कंपोनेंट निकालने होते हैं बेटा हमें। देखो वेक्टर आपके पास एक ये है एक ये है, एंगल थीटा है बीच में, तो अगर मैं इस वेक्टर ए के कंपोनेंट करूँ रेक्ट एंगल कॉम्पोनेंट, तो क्या क्या होते हैं, एक एक्स में जाएगा एक वाई में जाएगा। कंपोनेंट करना आपको मैंने इनिशियल पढ़ा रखा है शुरुआत में बेटा, ए का एक कंपोनेंट एक्स में थीटा के साथ है, कोस में आएगा उधर साइन में आएगा, पीछे का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ फिलहाल। ये ए का कंपोनेंट एक इधर आपस में परपेंडिकुलर, तो ये अब बेटा आपका वेक्टर ए था, इसका एक आएगा ए कोस थीटा इधर और एक आएगा ए साइन थीटा इधर। ए कोस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, ए साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, बी के अलोंग निकालना है, तो बी तो इधर है, इट मीन्स आपको ये कंपोनेंट चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो बेटा आपका क्वेश्चन क्या है कि इसका कंपोनेंट कर दो इधर कितना आएगा, तो इधर ही से कितना कंपोनेंट आए ए को थीटा, आपको ये निकालना है। अब दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है। ए को थीटा अगर सिर्फ इतना है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी और ए कोस थीटा डॉट बी कैप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, यहाँ देखो डिफरेंस, ये डिफरेंस है भाई। वर्ड तो सारे सेम दिख रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, यहाँ भी यहाँ भी, ये तो है ए कोस थीटा, मीन्स ए का जो मैग्नीट्यूड है सिर्फ उसका कंपोनेंट लेना यहाँ पे, और अगर डायरेक्शन भी साथ दे रखी है तो डायरेक्शन बी की यूज करनी है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, अब इसमें आपकी डायरेक्शन भी साथ आ जाएगी, ए कोस थीटा डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं यूनिट वेक्टर, तो कंपोनेंट जो आपके पास मैग्नीट्यूड तो हो गया ए कोस थीटा, डायरेक्शन किसके लिए नहीं है बी की, तो बी कैप। आई थिंक आप समझ गए होंगे इनमें डिफरेंस क्या है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी निकालना है तो आपको डायरेक्शन साथ लेनी पड़ेगी, डायरेक्शन बी के अलोंग जाना तो बी के लेनी पड़ेगी, और ए का लेंगे हम मैग्नीट्यूड सिर्फ, तो ए को थीटा डॉट बी कैप। दोनों पे थोड़ा ध्यान दे लें कि कैसे करना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कॉमन है, आता है यूटी में भी आता है हफ्ते में, और वैसे एस सेवन एस टू में भी आ जाता है। अब ये सोल्व कैसे किया जाए, इनको कैसे निकालेंगे बेटा, कंपोनेंट निकालना है हमें, तो हमने ये पढ़ा है कि ए बी कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी होता है। ए बी कोस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी, तो ए कोस थीटा क्या हो जाएगा, बी को नीचे भेज दो भाई, ए बी कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, हमें सिर्फ ए कोस थीटा चाहिए तो बी को यहाँ से नीचे भेज दो, तो ए कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी, वेक्टर बी अपॉन बी का मॉडुलस, इसको मैं हटा लेता हूँ, वेक्टर बी
अपॉन बी का मॉडुलस ये बन जाएगा बी का यूनिट वेक्टर। सबको पता है हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस बेटा। तो वेक्टर ए कैप डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप, ये आ गया सिर्फ ए कॉस थीटा। ए तो एज इट इज है, बी का वेक्टर अपॉन मॉडुलस बन जाएगा बी कैप बेटा, तो लिख लिया मैंने। अब अगर ये तो पहला पार्ट हो गया, अगर डायरेक्शन भी चाहिए आपको तो आपके पास क्या आएगा, ये सिर्फ आएगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन चाहिए तो ए कॉस थीटा डॉट बी कैप, मीन्स इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई में और कर दूंगा, तो ए डॉट बी कैप ब्रैकेट और इनटू में आएगा बस बी कैप, दोबारा मल्टीप्लाई बी कैप से ही करनी है डायरेक्शन के लिए। जितने भी लॉजिक और कॉन्सेप्ट थे डॉट प्रोडक्ट के हमने वो बताए हैं, एक आध और भी आ जाएगा वो बताया जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस पे इनको अप्लाई करते हैं कि हाउ टू अप्लाई दीज लॉजिक्स ऑन द क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में तो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, वेक्टर ए आपको गिवन है 2i-3j+5k, वेक्टर बी आपको गिवन है 4i+j-k कैप। ये कोई भी दो वेक्टर आपको गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर वन है। कहता है कि ए और बी के बीच में एंगल निकालो, ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। तो बेटा हम रिजल्टेंट नहीं गिवन है तो वो फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं कि r²-a²-b²2ab। रिजल्टेंट गिवन होता तो हम उसको सोच लेते एक बार, तो रिजल्टेंट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब ए डॉट बी कैसे निकालते हैं सिखा रखा है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है। और ए क्या है, ए का मॉडुलस, बी क्या है, बी का मॉडुलस। तो ए डॉट बी जब आप निकालना चाहोगे तो ए एक्स इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी जेड, ये लिख दिया मैंने, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड इंटू बी जेड। मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, चलो 2 × 4 = 8, -3 × 1 - 3, 5 × -1 - 5। भाई मल्टीप्लाई सबको आती होगी बेटा, ये 1 है यहाँ पे, यहाँ पे भी 1 है, तो -3 × 1 - 3, 5 × -1 - 5, 2 × 4 = 8 बेटा। तो 8 - 3 - 5, 8 - 3 - 5 बेटा आपके पास जो टर्म आई ये सारे मेरे ख्याल से कैंसिल, ये -k 8 + k 8 जीरो आएगा। नीचे मॉडुलस तो आपको पता है, ये a² b a y² a z² bx² b y² b z, इनका रोल ही खत्म हो गया, जीरो आ गया। इट मीन्स अगर जीरो आ गया तो जीरो कब होता है, जब थीटा 90 होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, इट मीन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। हमें एंगल निकाला, हमारा एंगल निकल गया। यूं भी हो सकता है कि प्रूव करो कि वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो आपको ए डॉट बी निकालना है सिर्फ। अगर एग्जाम में आए कि प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो सिंपल ए डॉट बी निकाल लो, अगर वो जीरो आया तो परपेंडिकुलर हैं, अदरवाइज वो नहीं है। परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी है, उस पर ही मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो जो m है इस m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वेक्टर a है 3i-3j+mk, वेक्टर b है 2i+4j+3k। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो, हमें तो वो दे रखा है परपेंडिकुलर, इसका मतलब है इनकी डॉट मल्टीप्लाई जीरो होनी चाहिए। डॉट मल्टीप्लाई क्या होती है, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो 3 × 2 = 6, -3 × 4 - 12, और 3 × m = 3m, 6 - 12 + 3m = 0, ये आ गया बेटा 6 - 12 + 3m = 0। ये -6 बचेगा, उधर के प्लस का हो जाएगा, यहाँ से m कितना आ गया 2। तो अगर m की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूँ तो वेक्टर a और b दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर हमने क्या किया है, m की वैल्यू को 2 पुट कर दिया बेटा, तो वेक्टर a और b क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग b। अभी सिखाया था फाइंड द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a, लिखा था ध्यान से अलोंग बी, तो वेक्टर का मतलब साथ में बी कैप और लेना पड़ेगा बेटा, आपको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी इसमें। गिवन है वेक्टर ए आपके पास, ये वेक्टर बी आपको दो के, एक बार ये, एक बार ये, एक बार इसको लेके चलो, उसको लेके चलो,
ठीक है, वेक्टर ए इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस जे, वेक्टर बी इक्वल टू आई माइनस जे। फर्स्ट पार्ट करते हैं, वेक्टर ए बेटा आपके पास टू आई प्लस थ्री जे, वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। आपको फाइंड करना है कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, इट मीन डायरेक्शन चाहिए। क्या फॉर्मूला बताया था, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। तो बेटा ए कॉस थीटा इंटू बी कैप का मतलब होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप। आप ये याद रखो सीधा सीधा, एंगल नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं एंगल तो नहीं कंप्यूट करें, नहीं बेटा एंगल नहीं चाहिए। आपका आंसर ये है, ये तो आपको फाइंड करना है। ये तो क्या चीज़ है, कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी है, स्टेटमेंट है ये, कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग, इतनी इतनी बात है यहाँ से लेके यहाँ तक की बात। शॉर्ट फॉर्म इसको ऐसे लिखते हैं हम। तो ये है इसका फॉर्मूला आ गया, वेक्टर ए डॉट बी कैप और इंटू में बी कैप। बेटा यानी कि बी कैप चाहिए आपको दो जगह, तो पहले बी कैप निकालो। बी कैप कैसे निकलेगा, वेक्टर बी अपॉन बी का मॉडुलस, वेक्टर बी अपॉन बी का मॉडुलस। वेक्टर बी क्या है बेटा, आई प्लस जे, आई प्लस जे लिख लिया मैंने। मॉडुलस निकालो तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, उसका रूट। भाई मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जेड होता तो उसका स्क्वायर, तो वन स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, रूट टू। तो आपके पास बी कैप आ गया आई कैप प्लस जे कैप ऑन रूट टू। अब हम थोड़ा अगर आगे बढ़े हैं, इसको पुट कर लो फॉर्मूले में, वेक्टर ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। वेक्टर ए की वैल्यू ये है, बी कैप की वैल्यू ये है, और दोबारा बी कैप की वैल्यू ये है। बेटा ए डॉट बी कैप, बी कैप, बी कैप की दो वैल्यू हमारे पास है, तो टू आई प्लस थ्री जे डॉट आई प्लस जे रूट टू और ब्रैकेट आई प्लस जे अपॉन रूट टू। बेटा तो पहले अंदर वाले सोल्व कर लें, आई वाले की मल्टीप्लाई आई वाले के साथ, जे वाले की जे वाले के साथ, आई वाले के साथ, जे वाले की जे वाले के साथ। तो आपके पास आएगा टू इंटू वन टू, थ्री इंटू वन थ्री, ये तो सोल्व हो गया, ये एज इट इज है। रूट टू टू बन जाएगा बेटा, रूट टू इंटू रूट टू क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई तो ये आ गया, ये एज इट इज आपके पास रह गया। टू प्लस थ्री फाइव, तो फाइव बाई टू आई कैप प्लस जे कैप। ये कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी है, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं भाई। ए कैप ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप। अब की बार बी कैप क्या है, आई माइनस जे अपॉन रूट टू हो जाएगा। भाई मॉडुलस तो उतना ही रहेगा, वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर भी वन होता है, तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मीन्स वन प्लस वन रूट टू आएगा। सिर्फ यहाँ पे माइनस लग गया, बाकी तरीका सेम है। यहाँ पहले प्लस था पहले पार्ट में, अब सिर्फ यहाँ पे माइनस है। तो टू इंटू वन टू, थ्री इंटू माइनस वन माइनस का थ्री, टू इंटू वन टू, थ्री इंटू माइनस वन माइनस का थ्री, बाकी टर्म एज इट इज रूट टू इंटू रूट टू बेटा टू बन जाएगा। तो माइनस का थ्री प्लस का टू माइनस का वन बाई टू बच गया हमारे पास, माइनस का वन तो यहाँ बचेगा, टू यहाँ से आएगा, आई कैप माइनस जे कैप। ये अगला पार्ट आपके पास आ गया, आई कैप माइनस जे कैप, ये अपना नेक्स्ट पार्ट आ गया है। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी हमने दो क्वेश्चन किए हैं, आई थिंक सब बच्चे समझ गए होंगे कि कैसे क्या है। बेटा देखो घबराना नहीं है, अगर समझ में नहीं आता एक बार तो घबराए नहीं, एक बार दोबारा से देखें और लॉजिक समझ के चलें। रटोगे तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, समझने की कोशिश करना। डाउट्स जितने भी हों आपने बता रखा है मैंने ग्रुप पे, या सॉरी ग्रुप कह रहा हूँ, पर्सनली मेरे पास मैसेज कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा टाइम लग सकता है बेटा, क्योंकि 160 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, तो डाउट्स आते रहते हैं, 12th के डाउट ज़्यादा आते हैं, तो उस चक्कर में पहले उनको सोल्व करते रहते हैं। आपको आंसर पक्का मिलेगा, एक दिन में या दो दिन में पक्का आंसर मिल जाएंगे। डाउट्स जितने भी आप पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तो बात होगी हमारे पास कंपोनेंट निकालने की। अब हम अगला क्वेश्चन भी करते हैं भाई, अगला है, शो दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। बेटा जो आई थिंक पहले मैंने डिस्कस कर लिया था कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर, प्रूव करना है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होनी चाहिए। वेक्टर ए आपको ये दे रखा है, वेक्टर बी आपको ये दे रखा है। एज ए डॉट बी हम निकाल लेंगे, और अगर ए डॉट बी जीरो तो आया तो परपेंडिकुलर, नहीं तो नहीं हमारे पास। तो बेटा ए डॉट बी निकालना चाहे तो फोर इंटू टू एट,
माइनस थ्री, ये बेटा ध्यान रहे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, माइनस थ्री इंटू वन माइनस का थ्री, वन इंटू माइनस फाइव माइनस का फाइव बेटा, तो प्लस का एट और माइनस का एट क्या हो गया जीरो। इट मीन्स अगर ए डॉट बी जीरो आ गया, यानी कि ए डॉट बी दोनों क्या हैं परपेंडिकुलर हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और जनरली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव, या फिर यू कहेंगे या तो प्रूव करना पड़ेगा, या इनमें से कोई एक वैल्यू दे देंगे कुछ भी आपको अननोन वैल्यू, कि वो वैल्यू फाइंड करनी, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था एम फाइंड किया था मैंने, कि वो वैल्यू फाइंड करें जिसके लिए ए और बी दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाले केस में ध्यान रखें ए डॉट बी को जीरो पुट करना है आपको, ठीक है बेटा। ये बहुत से क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं फिलहाल ऑन द टॉपिक डॉट प्रोडक्ट। आपके पास जो रेफरेंस बुक है, आपके जो सीनियर होंगे घर में या पड़ोस में कोई होगा, उनसे कोई रेफरेंस बुक आप ले सकते हो और वहाँ से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज असाइनमेंट भी आपको मैं असाइनमेंट भेज दूंगा, जैसे ही चैप्टर पूरा होगा तो असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, सोल्व कर लें इसको। अब आता है वेक्टर प्रोडक्ट बेटा, अगला पार्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है, उसका एक नाम और भी है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई आप करो और रिजल्ट में आपको वेक्टर ही मिले, तो उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट बेटा। दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई किए मैंने, रिजल्ट में जो आपका आंसर आया है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आया है, तो प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट द रिजल्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वी ऑब्टेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बात ये आती है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बात ये आती है। इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी बेटा, बीच में क्रॉस लग गया, पहले डॉट था अब क्रॉस आ गया, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू सी कैप। देखो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और सी कैप, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, और ये डायरेक्शन है। इससे पहले में ये पार्ट नहीं था डॉट वाले में, इसमें ये पार्ट, इसका मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं। तो ये जो रिजल्ट आपका है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड। अगर आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बेटा सिर्फ ए बी साइन थीटा लिखेंगे, डायरेक्शन साथ आएगी तो ये आ जाएगा सी कैप डायरेक्शन। ए क्रॉस बी को आप लिखो ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी, भाई ये तो बता ही है कि जो भी मल्टीप्लाई आएगी एक वेक्टर आएगी, मैंने माना कि मल्टीप्लाई एक वेक्टर सी आएगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी हो गया। मीन्स ए क्रॉस बी, वेक्टर सी क्या होता है, सी का मॉडुलस इनटू डायरेक्शन। भाई वेक्टर पूरा कैसे होता है, उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन। तो अगर आपको ऐसा लिखना कहे कोई कि ए क्रॉस बी और यूं लगा दिया, तो सिर्फ लिखना है ए बी साइन थीटा। अगर ये मोड नहीं लगाया जाएगा तो ये फॉर्म लिखेंगे, ऐसे लग गया तो सिर्फ ये लिखना है, उन्होंने डायरेक्शन छोड़ रखी है। अब बात आती है कि जो ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आएगा, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, भाई दो वेक्टर की मल्टीप्लाई की मैंने, मॉडुलस तो निकाल लिया ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, तो डायरेक्शन जो होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, इस टाइप से ऐसे। अगर यूं घूम रहे हैं, ये हो गया आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड बेटा, अगर हम यूं घूम रहे हैं ऐसे, ये हो गया क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेंगे तो अंत जाएगा इनवर्ड। तो अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड जाएगी पेन और पेपर में, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, अगर मैं कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊं एक्स वाई जेड, ठीक है, तो देखो इनवर्ड तो होता है नेगेटिव जेड, आउटवर्ड होता है पॉजिटिव जेड, जेड एक्सिस इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है। इसको हम समझते हैं इस टर्म में, एक कोऑर्डिनेट प्लेन लेकर चलता हूं मैं बेटा, मेरे पास ये एक्स वाई जेड प्लेन है, अगर मैं यहां से इधर मल्टीप्लाई करता हूं, मीन्स आई कैप की मल्टीप्लाई जे कैप से करता हूँ मैं, आई कैप की मल्टीप्लाई किसे करता हूँ मैं, जे कैप से, तो इक्वल टू आएगा बस के कैप, क्योंकि ये मैं यूं जा रहा हूँ ऐसे, आई इधर है जे इधर है, यूं जाऊँगा तो मेरा अंगूठा ऊपर आ रहा है, इट मीन्स आउटवर्ड क्या है, जेड एक्सिस पॉजिटिव है तो के कैप पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा जे से लेके के की तरफ तो आई कैप आंसर आएगा, और के से लेके आई जाऊंगा तो जे कैप। मतलब जब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलोगे इस टाइप से, तो आपका आई जे पॉजिटिव आएंगे, आई जे के कैप आएंगे पॉजिटिव, और अगर गए आप क्लॉकवाइज, ये लो
आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। डॉट होता तो सारा जीरो होता ही है। इसमें बेटा उल्टा कर दे, मैंने यूं था ना, यूं चला गया भाई, यहाँ से और यूं आ रहा हूँ मैं, यूं तो देखो उल्टा चलेंगे तो माइनस का आई, माइनस का के, माइनस का जे, इसका मतलब नेगेटिव जेड की बात कर रहा हूँ, अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो उल्टा कर दो इसका, जे क्रॉस आई माइनस का के, जे क्रॉस के माइनस का आई, आई क्रॉस के माइनस का जे, ठीक है। ये तो बात होगी परपेंडिकुलर वाली। अगर पैरेलल हैं और एंटी पैरेलल हैं, भाई पैरेलल जब थीटा जीरो डिग्री, एंटी पैरेलल थीटा 180 डिग्री, तो दोनों केस में साइन थीटा जीरो होता है। पैरेलल और एंटी पैरेलल में दोनों केस में साइन थीटा क्या होता है, जीरो डिग्री होता है बेटा, जीरो होता है सॉरी। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, अगर ए क्रॉस बी जीरो आता है तो वेक्टर्स पैरेलल हैं। जैसे कि ए डॉट बी जीरो आया तो परपेंडिकुलर थे, अब कहेगी प्रूव करो वेक्टर पैरेलल हैं, तो आपके पास क्या आना चाहिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। एक तरीका और भी है, अगर वेक्टर पैरेलल है तो ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई, ए जेड अपॉन बी जेड। याद करो जब पढ़ाया था कोलिनियर वेक्टर, वहाँ से प्रूव कर सकते हो, यहाँ से मर्जी तुम्हारी है। अगर वेक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं तो बेटा ए क्रॉस बी जीरो आएगा, ठीक है। यानी कि ए क्रॉस ए किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो होता है। ए डॉट ए तो ए स्क्वायर था, ए क्रॉस ए इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब आई क्रॉस आई इक्वल टू जीरो, जे क्रॉस जे इक्वल टू जीरो, के क्रॉस के इक्वल टू जीरो, आई क्रॉस आई इक्वल टू जीरो, जे क्रॉस जे इक्वल टू, के क्रॉस के इक्वल टू जीरो। यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू वैक्टर सी, जो वैक्टर सी आया आपके पास वो हमेशा ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, इसका मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, इट मीन्स आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है बेटा। ए और बी का जो भी आंसर आएगा दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। इतनी थोड़ी पढ़ें, कल थोड़ा सा डिस्कशन और होगा अगले लेक्चर में क्रॉस के ऊपर, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बेटा अबाउट टू फिनिश है। जो आपका यूटी आएगा उसका जो भी सिलेबस होगा यूटी का, वो आपको मैं मैसेज कर दूंगा, और डोंट वरी यूटी जब तक होगा तब तक आपका सिलेबस वो पूरा हो जाएगा। ये चैप्टर यूटी में अबकी बार नहीं दिया गया है जो आपको अभी पढ़ा रहा हूँ वेक्टर में, ये नेक्स्ट यूटी में, कुछ टीचर्स ने इसको बाद में पढ़ाया है, किसी का पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। उन्होंने टूल्स पहले पढ़ाए हैं, हम अब टूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक मुझे टूल्स जरूरत पड़ी नहीं है, अब जरूरत पड़ेगी मैथमेटिकल टूल्स की, तो पहले मैं टूल्स पढ़ाऊंगा। यूटी में टूल्स आएंगे प्लस डायमेंशन आएंगे, डायमेंशन पढ़ा दिए हैं, जब तक याद नहीं करोगे एक न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर सकते बेटा, इसलिए डायमेंशंस को याद करो और न्यूमेरिकल सोल्व करना सीखो। जो न्यूमेरिकल्स आपकी नोटबुक में है वो मोर देन सफिशियंट है, वही करें। थैंक यू।